उज्जैन में बीजेपी नेता की हत्या, बीजेपी नेता के पत्नी की भी हत्या हुई। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका है। देवास रोड के पिपलोदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो उज्जैन में बीजेपी नेता की हत्या का ये मामला, बीजेपी नेता की पत्नी की भी हत्या का मामला है। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। देवास रोड के पिपलोदा गांव का मामला। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत ग्राम पिपलौदा खुर्द द्वारकाधीश है, जहाँ पे गांव के अंदर ही एक मकान है जहाँ पे डबल होमिसाइड या फिर दो लोगों की बॉडीज पाई गई हैं। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। FSL की जो टीमें हैं यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे रात के समय किसका मूवमेंट रहा, किन परिस्थितियों में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये जाँच के सभी पहलू हैं जिन पर लगातार काम किया जा रहा है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है और एक SIT गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर पिपलौदा में आज दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पर पति और पत्नी की दर्दनाक हत्या कर दी गई। यहाँ पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं राम निवास कुमावत, जिनकी हत्या की गई है। साथ ही उनकी पत्नी की भी हत्या की गई है। सुबह के वक्त यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घर में पूरी तरीके से सामान बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि ये लूट के इरादे से ही इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। क्योंकि घटना को घटित करने वाले लोग जो है घर के पीछे के रास्ते से अंदर घुसे थे। सबसे पहले खून के निशान जो हैं किचन में पाए गए हैं, इसी के बाद दूसरे रूप में खून के निशान पाए गए हैं। तो अब देखना यह होगा कि पुलिस के आला अधिकारी जहां पर घटना स्थल पर मौजूद हैं और इस पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। वहीं SP सचिन शर्मा ने कहा है कि इस पूरे मामले में एक SIT गठित की जाएगी जिसकी पूरी निष्पक्ष जाँच की जाएगी। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले लोगों ने यहाँ पर CCTV कैमरे को भी नुकसान पहुँचाया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन पूरे मामले को लेकर क्या पहलू तक पहुंचती है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है तो गांव के लोगों में आक्रोश भी है कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है तो जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि राम निवास जो कुमावत जो थे उनका गांव में मिलनसार व्यवहार था, जिसके कारण गाँव के लोगों में बड़ा आक्रोश भी है। मुझे जय पटवा, News18 मध्य प्रदेश। वहीं ग्वालियर में क्रिकेट पर बवाल हो गया। क्रिकेट नहीं खिलाए तो 15 साल के बच्चे पर हमला हो गया। पीड़ित के साथ बल्ले से मारपीट हुई। सिर में चोट लगने से अस्पताल में पीड़ित को भर्ती किया गया है। मारपीट, जान से मारने की धमकी और SC ST एक्ट में केस दर्ज किया है। पुलिस ने गोला का मंदिर के आदर्श नगर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बच्चे क्रिकेट खेलने गए थे और वहाँ से बच्चों ने मना कर दिया था कि हम नहीं खिला रहे, तो उनको छोटे वाले बच्चे को हमारे को खींच के ले गए, पकड़ के अलग को उसको मारने लगे। जी गया था बचाने तो इस पर हमला कर दिया पीछे से। कौन लोग थे? गुजरते हम बताने कहाँ पे खेले थे मैं? अब वो भाग साहब की मल्टी हटी यहाँ पे इंदौर में थे।